हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब चलिए आज हम आप लोगों को इस टॉपिक पे बताने वाले हैं कि सर्दियां आ गई हैं तो इस पर हमारी स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाती है फेस वॉश करने के बाद बहुत ड्राई हो जाती है तो उसका केयर हम कैसे करें तो सबसे पहले हम आप लोगों को उसका प्रोडक्ट दिखा देते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए और किस तरीके से हमें लगाना है तो सबसे पहले देखिए ये हमारा जो है ये सहनाज का क्लिनिंग मिल्क है ये सहनाज का क्लिनजिंग मिल्क है जैसे हमारा पार्लर है तो उसमें हम इसको रखे हैं तो आप किसी भी ब्रांड में क्लिनजिंग मिल्क को ले सकती हैं कोई भी ब्रांड हो जो आप ले सकती हैं जिसमें जो बजट आपको हो रहा है तो आप कोई भी ब्रांड ले सकती हैं ये है क्लिनजिंग मिल्क दूसरा आपका आ जाएगा स्क्रब स्क्रब भी आप कोई भी ले सकती हैं जो जो वही फिर बता रहे जो कि आपके बजट में आ रहा हो किसी भी ब्रांड का आप स्क्रब ले सकती हैं तो ये दूसरा स्क्रब हो गया तीसरा आपका हो जाएगा मॉइस्चराइज़र और ये ये आपका है हाइड्रेशन फ़ेस जेल है तो अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम इसे भी लेंगे तो ये भी ये जो है गुडवाइप्स का है ये गुडवाइप्स का है आप इसे भी आप किसी भी ब्रांड में ले सकती हैं ये हाइड्रेशन फेस फ़ेस जेल है और इसके बाद चाहिए हमें सीरम और सीरम के बाद फिर हमें चाहिए ये हमारे दो सनस्क्रीन हैं तो एक एक तो एंटी एंजिंग है सनस्क्रीन है लेकिन ये एंटी एंजिंग है एक जो है नॉर्मल सनस्क्रीन है ये तो ये जो है नॉर्मल टू ऑयली स्किन मतलब कि आप नॉर्मल वाले भी लगा सकते हैं जिनकी स्किन ऑयली होगी वो भी लगा सकते हैं तो दोनों लोग इसको लगा सकते हैं एंटी एंजिंग जो है हम कब लगाएंगे जैसे हमारी स्किन अगर जैसे कि झुरियाँ पड़ी हुई हैं हमारी एज बहुत ज़्यादा है अगर फिफ्टी प्लस है तो हम एंटी एंजिंग सनस्क्रीन को लेंगे तो इस तरीके से हमें देखिए हम आप लोगों को दो दिखा रहे हैं इसीलिए तो इसे अगर हमारी एज ज़्यादा है तब हम लगाएंगे अगर हमारी एज कम है तो हम इसको लगाएंगे जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है ये कम एज वालों के लिए है अब हमें इसे लगाना कैसे है सबसे पहले तो हम फेस वॉश करेंगे फ़ेस वॉश करने के बाद हम जो है क्लिनजिंग मिल्क को लेंगे और स्क्रब को लेंगे दोनों एक साथ हम लेंगे ठीक है पहले हम अपने फेस पे क्लेंजिंग मिल्क पूरे अच्छे से अप्लाई कर देंगे पूरे फेस पे अच्छे से थो, थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली बेस पे होता है तो थोड़ा सा हम क्लिनजिंग मिल्क को लिए और अपने फेस पे फैला दिए उसके बाद उसी के ऊपर से हम स्क्रब को लेंगे स्क्रब को पूरे फेस पर फैला देंगे तो बहुत हल्के हल्के हाथों से हमें जो है मसाज देना है जैसे कि देखिए हमारी स्किन यहाँ पे ज़्यादा ड्राई होती है तो यहाँ पे फोर फोरहेड पर पे ज़्यादा ड्राई होती है आईब्रो के बीच में ड्राई हो जाती है किसी किसी की स्किन इस तरीके से होती है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है यहाँ पे हो जाती है चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो देखने में बहुत गंदी सी स्किन लगती है तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको जो है क्लिनजिंग मिल्क और स्क्रब दोनों को एक साथ लेना है और इससे आप दो से तीन मिनट तक मसाज करिएगा और आपको डेली स्क्रब को नहीं लगाना है आप कम से कम हफ्ते में आप तीन दो से तीन बार लगा सकते हैं इससे ज़्यादा आपको स्क्रब नहीं लगाना है पर आप जो है क्लिनजिंग मिल्क को आपको डेली लगाना है इसको आप डेली लगाएंगे इसे कैसे लगाएंगे इसे आप एक तो मॉर्निंग में लगाएंगे जब फेस वॉश कर लेंगे मॉर्निंग में आपको लगाना है और दूसरा आपको जो है जब रात में आप सोने जाएंगे फेस वॉश करने के बाद आप अपने फेस पे क्लिनजिंग मिल्क को लगाएंगे इस तरीके से आपको दो टाइम इसको लगाना है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वैसे तो अगर हमारी एज ज़्यादा है तो उन लोगों को हम बताना ये चाहेंगे तो नाइट क्रीम जैसे आती है एंटी एंजिंग नाइट क्रीम आएगी तो आप लोग उसको लगाइए वो ज़्यादा अच्छा होगा उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा लेकिन अगर हमारी एज कम है तो उन लोगों के लिए ये जो हमारा जो है क्लिनजिंग मिल्क है ये हम किसी ब्रांड में ले सकते हैं तो हम रात में इसको क्लिनजिंग मिल्क को लगा के पूरे फ़ेस पे अच्छे से पाँच मिनट तक मसाज देंगे और कॉटन कौ, कौ, को गीला करेंगे और उसे अच्छे से साफ कर देंगे तो साफ़ करने के बाद फिर ऐसे हम सो जाएंगे सुबह मॉर्निंग में उठेंगे फिर उसी तरीके से हमें फ़ेस वॉश करना है और बाकी आपको जैसे अगर आपका दो से तीन दिन हो गया तो आप हर तीसरे दिन क्लिनजिंग मिल्क स्क्रब को लगाइए इस तरीके से आपका हो गया ये फर्स्ट स्टेप आपका एक तो आपका फ़ेस वॉश तो होना ही होना है दूसरा आप क्लिजिंग मिल्क और स्क्रब को लगाएंगे और ये आपका मॉइस्चराइजर हो गया ये आपका हाइड्रेशन फ़ेस जेल हो गया अब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो आप इसको लगाइएगा हाइड्रेशन वाला इस तरीके से इसमें क्रीम भी आती है और ये फेस जेल है ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है वन सेवेंटी फाइव का है और ये गुडवाइब्स का है तो आप किसी भी ब्रांड में ले सकती हैं लेकिन सबसे सस्ता ब्रांड जो है गुडवाइब्स का ही है तो आप इसे भी ले सकती हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है अगर आपकी स्किन केवल ऐसे ही ड्राई लग रही है फेस वॉश करने के बाद तो आप केवल मॉइस्चराइजर से भी अपना काम चला सकती हैं इसके बाद हमें क्या लगाना है इस मॉइस्चराइजर लगाएंगे या हाइड्रेशन क्रीम को लगा रहे हैं तो फिर हम लगाएंगे सीरम तो उसको लगाने के बाद हमें सीरम को लगाना है सीरम लगाने के बाद जैसे हमारे ये दो सनस्क्रीन आ गए एक तो ज़्यादा एज वालों के लिए है एक कम एज वालों के लिए है तो कम एज वाले जैसे कि अगर आप थर्टी हैं थर्टी प्लस हैं तो आप इसे लगा सकती हैं तो वैसे तो इसका एस बी फिफ़्टी है तो पर आपको फिफ्टी नहीं लेना है इससे कम वाले लेने हैं तो आप इस तरीके से नॉर्मल वाला लगाइएगा अगर आपकी ये ज़्यादा है तो एंटी एंजिंग सनस्क्रीम है ये तो इसको आप ले जी, लीजिएगा और जैसे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं तो वो भी आपकी ठीक होंगी और इसे लगाना कैसे है जैसे आप सीरम लगा ली है उसके बाद ही आपको ये लास्ट का आपका स्टेप होता है ये स्टेप आपका सनस्क्रीन जो है लास्ट का है इसके बाद हम धूप में निकल सकते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है टनिंग वगैरह नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारी स्किन अच्छे से एकदम नॉर्मल दिखेगी और बहुत ग्लो करेगी जैसे इतना सारा प्रोडक्ट लगाने के बाद स्किन हमारी ड्राई नहीं होगी ड्राई भी नहीं होगी और एक अच्छा सा नेचुरल तो दिखेगा ही दिखेगा पर एकदम ग्लो वाली स्किन दिखती है बहुत अच्छी लगती है तो इस तरीके से हमें इतना जो है डेली में केयर करना पड़ता है क्योंकि इधर ये सर्दियाँ आई हैं तो सर्दियों में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है तो इस तरीके से आप लोग केयर करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा ये बहुत ही अच्छा बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट है क्योंकि ये हम खुद करते हैं और अपने कस्टमर को बताए भी हैं हमारे बहुत से कस्टमर करती भी हैं और सबके तरफ से हमें अच्छा ही रिजल्ट मिला है फिर आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर